हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस देखिए, रात के समय हो गई है, मैं आ गई हूँ किचन में। इधर गर्मा गर्म पराठा सेक रही हूँ और गाइस टिकट के लिए मैं बहुत जोर शोर से बात कर रही हूँ। इधर रूम भी खाली करना है, रूम की साफ सफाई करनी है, सब कुछ करना है। और मैं कैसे सब अकेले मैनेज करती हूँ ये आप लोग सोचिए, कैसे मैं मैनेज करती हूँ। नया घर देखना दिखा दी हूँ आप लोग को, भी कलर होगा, फिर उस रूम की साफ सफाई, इसी में तत्काल टिकट भी मारना है 13 तारीख का, और पैकिंग भी करना है। कैसे मैं अकेले सारा मैनेज करूँ ये सोचिए। 15 तारीख तक का निकालो ना। अरे 15-13 को बोलेंगे, जब 13 को कोई कंफर्म नहीं है कि मिल ही जाएगा, लेकिन आज मैंने बात कर लिया है। किससे की हो? मुन्ना मामा से। आज तो उनसे बात की हूँ, कल सुबह बताएंगे टिकट के लिए। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। गाइस तो आप लोग तो क्या बोलूँ, आप लोग बोले थे ना कि रूम के लिए वो रूम छोटा है। गाइस तो रूम हाँ छोटा है, मैंने जानबूझ के छोटा रूम लिया है क्योंकि अपने बजट के हिसाब से। अब मैं भी सोच रही हूँ कि हमारा वहाँ ये नवरात्रि का महीना चल रहा है, कब देवी माँ भोलेनाथ हमारा खुद कलर करेंगे, ताकि ये रूम रेंट देना ना पड़े। रूम रेंट देते देते हालत खराब हो जाती है। हर महीने पहुँचा जाता है शाम पे, हर महीने पहुँचा जाते। एक बार जो थान लो वो थान के हटो। आप ए, वो खाली बोलोगी बस हाँ ले लो माता रानी ले लो, वो चीज थाना जाते तब लिया जाता है। कौन लिया जाता है? आप मान के चलो, बोल दो कि मैं एक रूम लूंगी तो रूम लूंगी एकदम जीत पे अट जाओ। अट जाऊं तो आटा अच्छा नहीं है। कैसा मैम चला इसका? देखो रोटी पराठा कैसा हो रहा है, अच्छा नहीं है। The next day. So, hey guys, और बताएं आप सब कैसे हैं? हो चुका शाम का टाइम, घड़ी में बज चुके हैं पूरे 6:30 और यहाँ पे देखिए मम्मी और आरो दोनों ही नहीं है घर पे, सिर्फ मैं अकेला हूँ। खाना पीना अभी शाम को भी मैं खा लिया, मम्मी बोली आर्यन खाना लेके खा लो, तो खा लिया शाम को खाना लेके। गाइस कैमरा कैसा आ रहा है? गाइस थोड़ा धुंधला धुंधला सा आ रहा है। तो गाइस हम लोग को जाना है दिल्ली की, ये तो कंफर्म हो गया है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोग को दिल्ली जाना है, ये मैं कंफर्म बता दे रहा हूँ। और देखिए अभी टिकट के बारे में पूछताछ हो रही है, क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, कब का मिलता है। मैं तो सोच रहा हूँ 15 तारीख तक का मिल जाए तो ठीक है, लेकिन देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। और मम्मी चली गई अपने फ्रेंड के घर पे, कुछ सामान उनको दिखाना था तो वही सामान लेके सारा लेके चली गई मम्मी अपने फ्रेंड के घर पे। और भी कौन से फ्रेंड, जो बगल पे हम लोग बिल्डिंग में रहते थे वो उसी बिल्डिंग में गई हैं। तो अभी ये रूम का क्या पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। जो पेंटर है वो बार बार बोल रहा है मम्मी उनके घर, जो पेंटर है हमारे बिल्डिंग के थोड़ा से मतलब कि हमारे गली में रहता है, तो मम्मी कितनी बार उनके घर पे भी गई, बोली आ जाओ, तो बोल रहे हाँ आऊँगा पर देखो कब आते, अभी तक आए नहीं है। और डेट भी मम्मी दे दी आज, बोली थी खाली करने के लिए, पर देखो एक दो दिन में खाली करेंगी, देखो अभी तक आया नहीं है। क्या होता है तो मम्मी आज ओ रूम मालिक को भी फ़ोन की, देखो आपका पेंटर आ नहीं रहा है, तो बोला कि रुको मैं फ़ोन करके बात करता, तो देखो कब आते, कब पेंट होता है, कौन सा पेंट होता है, कौन से कलर का होता है, आप सबको सब ब्लॉग में दिखेगा अगर आप लोग को, आप लोग ब्लॉग देखेंगे तो। तो आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिए, देखिए क्या क्या होता है, हमारे ब्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहिए और भी प्यार दीजिए, ऐसे नहीं और भी प्यार दीजिए। गाइस देखिए आप लोग, मम्मी जो कि फैमिली आ गई घर पे। आ गई? हाँ। थक गई ना? क्या थकने वाली बात है, सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा इतना ऊपर फ्लोर घर है अपना तो दिक्कत पड़ता ही है। और सोचो पानी कैसे आता है, पानी भी तो लेके आए हूँ सारा डब्बा खाली हुआ है, कपड़ा भिगो के रखी हूँ, नवरात्रि का महीना पावन महीना चल रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि घर में कुछ उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। और इधर आरो आ गए हैं, शाम का दिया आज आरो से जलवा रही हूँ, जाओ बेटा दिया जला दो। और गाइस आज मैं आई थी इंस्टाग्राम पे लाइव, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिल रही थी। तो ऐसे होता है कि जो कि जब आपकी पूनम दीदी अकेले हो गई थी ना, अकेले एकदम अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रही थी,
कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों का प्यार मिला, और आप लोग के साथ और प्यार से आपके पूनम दीदी के अंदर इतना हिम्मत और हौसला आया था कि ऐसा लग रहा था कि जहाँ मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, वहाँ मैं आप लोगों को पाई। और गाइस, अभी मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मैं आप लोगों से जल्दी मैं लाइव आती नहीं हूँ, बंधना जोड़ ली थी, इधर देखिए माता रानी की दिया जला दिए हैं, शाम का समय हो गया है, तो पानी के इंतज़ार में बैठी हूँ। तो मैं आप लोगों से जुड़ी, आप मुझसे जुड़े, आपसे बातें हुई, बहुत अच्छी लगी। और आप लोगों से मैंने कमेंट में पूछा कि आप लोग मुझे कहाँ जाना पसंद करते हैं, ससुराल दिल्ली, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए थे कि आप दिल्ली जाइए। तो गाइस, अभी हम तो यही सोच रहे थे कि ससुराल जाने के लिए, तो अभी टिकट के लिए, जैसा कि हम जब लाइव आए थे तो बात कर रहे थे, टिकट के लिए फ़ोन आ रहा था। और टिकट आपको पता है, स्लीपर का विंडोज़ टिकट दे रहे हैं बना के, वो भी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि कहाँ का देंगे, मतलब आधे रास्ते में भी कहीं भी उतार सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। छुकी भी ट्रेन जाके वहाँ का भी मिल सकता है, छुकी तक का, मिर्ज़ापुर तक का, बनारस तक का, भदोही तक का, कोई गारंटी नहीं है। तो अकेले सफ़र करना, अगर कहीं बीच में उतार दिए तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्ट आ जाएगी। तो अभी हम इस पर डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि गाँव जाने का टिकट निकालें कि दिल्ली जाने का टिकट निकालो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निकालना तो एसी का निकालना, एसी का ही निकालना। गाइस, स्लीपर में, अरे अगर इस सीजन में स्लीपर में चली गई तो वही वाला याद है हाल। देख लीजिए गाइस, बच्चों की फरमाइश देख लीजिए। आप लोग बोलते हैं ना आपके बच्चे फरमाइश नहीं करते, आपको नहीं पता है कि मेरे बच्चे मुझे कितना परेशान करते हैं। लेकिन याद है ना वो वाला सीन जब एक बार दिसंबर में ही हो गया, ऐसा हो गया था। सोचिए 650 का टिकट 2300 रुपया में, वो भी पहचान वाले से 2300 रुपया में टिकट मिल रहा है। तो अभी सोचती हूँ कि टिकट के लिए क्या सोचूंगी, तो फिर देखो ससुराल जाती हूँ कि दिल्ली की मायका कि कहाँ जाती हूँ। मेरा मैं तो आज ब्लॉग में बोला, मैं कंफर्म बताता हूँ दिल्ली जाएंगे। अच्छा, तो अच्छा ये लोग का भी इरादा बन गया है दिल्ली जाने का। तो आर्यन का मन था कि मैं अपना बर्थडे, गाइस मेरा बर्थडे आ रहा है 16, आप बंदा मुझे तुम्हारा भी बर्थडे का। अगले साल हम लोग अपने बर्थडे पे घूमने गए थे ना, कहाँ गए थे, दहानू नहीं गए थे आपके बर्थडे पे? हाँ, मेरे बर्थडे पे हम लोग नहीं गए थे, दहानू जो गए थे बीच पे गए थे, फिर उसके बाद वहाँ गए थे। बोले अरे हमको तो पता ही नहीं कि आपको, हम पैदा नहीं हुए हैं क्या, लाइफ पे ही सब लोग खूब हंस रहे थे। तो गाइस हमारा बर्थडे आ रहा है, तो आर्यन बोला था कि चलो हम लोग दिल्ली सेलिब्रेट करते हैं। और किट्टो भी पूछ रही थी कि कब आ रही हैं, बंदना भी पूछ रही थी कब आ रही हैं, लेकिन अभी हमारा कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। हमें नो गाइस, आज हमारे जो नया घर हमने लिया है, कल रूम कलर होने वाला था, कल नहीं हुआ, आज भी कलर हुआ। तो कलर होने के लिए उन्होंने मुझसे पानी मांगा, गाइस पानी के लिए तो हम खुद एकदम बेताब हैं, हम कहाँ से उनको पानी दे सकते हैं। हम कहे आप रूम वाले से बात कर लीजिए, नहीं तो बिस्लरी ला के आप कलर कर दीजिए, अभी तक तो कलर करने आए नहीं हैं। बाकी उनकी इच्छा, उनकी मर्जी कब करते हैं, लेकिन हमें तत्काल में रूम खाली करना है। हमने 10 तारीख को उनको आज ही का, जिस घर में मैं रह रही हूँ, आज का ही डेट दी थी मैं उनको खाली करने के लिए। फिलहाल कोई बात नहीं, एक दो दिन चलेगा, तो हम आज तो फ़ोन लगाए, कल उन लोग का हो जाएगा, एक कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो तो गाइस, देखिए कैसे हमारे घर में सब लोग पड़े हुए हैं। जिस दिन आप लोग सो कह रहे हैं कि पूनम दीदी आप बेड ले लीजिए ना, बेड के लिए गाइस हम भी सोच रहे हैं, लेकिन हमारा घर सही बना, बेड तो कभी लेना था। कभी लेना, मेरे बच्चे खुद चाहते हैं कि मम्मी बेड ना ले, क्योंकि जानते हैं हम सोच रहे हैं जब हमारा ऐसा बता, क्योंकि 100 बार आप रूम खाली करते टूट जाएगा, पलाई का टुकड़ा हो जाएगा, इसीलिए बस रूम को चेंज करना इधर उधर। तो हम सोच रहे हैं घर से हमारे बाबा भोलेनाथ की कृपा रहेगी, तो अगर से हमें हमारा खुद का घर मिल जाएगा। खुद के घर में हमने बहुत सपने संजो के रखे हैं कि आज तक हो गया कि हमें किट्टो गिफ्ट दी थी, किट्टो का दिया हुआ गिफ्ट मैं अपने घर में नहीं लगाती हूँ। हमारे हस्बैंड का फोटो वो फ्रेम करवा के दी थी गाइस, जब पहली बार मुंबई आई थी, तो वो जब मुझसे मिलने आई थी तो मुझे बहुत बढ़िया मतलब सबसे कीमती तोहफा मेरे लिए दी थी। सब लोग बोलते हैं घर में फ़ोटो लगाओ, लेकिन मेरा एक सपना है कि मैं जिस घर में फ़ोटो लगा दूँ उस घर में से निकालू ना, डालू ना,
तो जिस दिन हमारा घर 2025 में गुड न्यूज़ फोटो रखे रखे खराब हो रहा है धीरे धीरे। आरो बोला 2025 में क्या बाबा यही कि पगल 2025 में अपना घर हो जाएगा। 2025 जनवरी 22 जनवरी को अपना खुद का घर होगा। बाप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, पैसा कहाँ आएगा घर के लिए, इतना पैसा चाहिए। कुछ नहीं टेंशन है, सब हो जाएगा बोल लो घर के लिए। गाइस घर आरो जाएगा कमा के लाएगा। आप तुम जॉब करोगे क्या? हाँ भैया भी करेगा। हाँ ये लोग घर के लिए, मेरे दोनों बच्चे अब जॉब करेंगे गाइस। इन लोग को भी शौक लगता है कि हमारा खुद का घर हो। तो भगवान संध्या का समय है, माता रानी का दिन चल रहा है। अगर से आप लोग इन बच्चों की बात आप लोग के दिल तक जाती है तो आप ये इच्छा जरूर पूरी करिएगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग को हमारे बच्चों की बात कैसी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी पूनम दीदी का घर हो और वो सपना जल्दी पूरा हो? तो जब आप लोग प्यार देंगे सपोर्ट करेंगे तभी तो आपकी पूनम दीदी का सपना पूरा होगा, इन बच्चों का, तभी तो मैं सपना पूरा कर पाऊँगी। तो हमसे जुड़ के बात करके लाइव पे कैसा लगा और हमारी बातें, बच्चों की बातें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए जो लोग चैनल पे नए हैं। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पूनम जायसवाल 31।